सा स्कूल है? नवा टोली है ना ये? जी जी। तो कैमरा ऑन करिए, क्लास तीन दिखाइए, क्लास थ्री। ये जमीन पे कैसे बैठा है सर? ये जमीन पे कैसे बैठा है लोग, बच्चा लोग सब एक ही जगह बैठा है सब, बिना वर्दी का वो भी सब। पीछे पुआल कौन रख दिया स्कूल में? ये जो ग्रामीण है ना बगल में, इसको बोले हैं तो बोला कि कल इसको हटा दिया जाएगा। बड़ा अच्छा है, यहाँ मतलब दबंगा ही चल रहा है स्कूल में, जिसको मर्जी है। और पीछे वो त्रिपाल भी लगाए हुए कुछ सामान के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ देखिए एक से बढ़कर एक प्रयोग करते नजर आते हैं। और देखिए अब एस सिद्धार्थ अचानक से सरकारी स्कूलों में वीडियो कॉल करते हैं। और देखिए एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल के बाद स्कूलों में हड़कंप मच जाता है, जो शिक्षक होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको हमें तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से आज जो शिक्षा विभाग के ACS है एस सिद्धार्थ, देखिए कटिहार जिले के एक स्कूल में वीडियो कॉल करते हैं। और देखिए किस तरीके से वीडियो कॉल के बाद स्कूलों में हड़कंप मच जाता है, जो शिक्षक होते हैं वो बेचैन हो जाते हैं। और शिक्षकों से क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं एस सिद्धार्थ, सबसे पहले आपको पूरा वीडियो देखिए। कौन सा स्कूल है सर? नवा टोली है ना ये? जी जी। तो कैमरा ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए। जी जी। अभी क्या चल रहा है? क्लास हो रही है सर। प्रार्थना हो रही है? अभी प्रार्थना टाइम नहीं है जी, हो गई प्रार्थना सर। तो क्लास थ्री दिखाइएगा, क्लास दे रहा सर? नहीं दे रहा। क्लास थ्री दिखाई, क्लास तीन दिखाई, क्लास थ्री। ये जमीन पे कैसे बैठा है सर? जी ये जमीन पे कैसे बैठा है लोग, बच्चा लोग? ये बाहर बैठा बैठता है सर, टैक्स बैंक भी नहीं मिला है सर, और जो है ना हाँ टैक्स जी टैक्स बैंक भी नहीं मिला है, और वो सरकारी फंड से विद्यालय भी नहीं बना है। ये क्या बांका है? ये कौन सा जिला है? कटिहार जिला है सर। कटिहार ना, तो अभी बेंच भी नहीं मिला है जी, नहीं मिला है। और सब बाहर बच्चे मैदान में बैठे रहते, ये जो बिल्डिंग पीछे है वो क्या है? ये जो बिल्डिंग है वो क्या है? ये बिल्डिंग बना हुआ है विद्यालय का, जो है ना हम लोग बनवाए हैं खुद ये ग्रामीणों के सहयोग से। हाँ जी, सब बोर्ड वगैरह है। तो यहाँ क्लास नहीं होता है? ये अभी ठंडी है सर, ग्रामीण जो है ना गरीबों बच्चा सब जो है वो ठंडी का कपड़ा वगैरह प्रॉब्लम है, ये धूप धूप है ना सर, तो ये दरी में बिठाया गया। और कितना टीचर है स्कूल में? स्कूल में कितना टीचर है? छह टीचर है सर, आज एक छुट्टी में है, सेल में है, पांच है अभी। पांच कहाँ है, एक आप हैं, बाकी चार बाकी चार कहाँ है? क्लास हो रही है। कहाँ पे दिखाइए सर, दिखाइए पांचों टीचर, चारों टीचर जी सर। एक ये हो गए हैं हाँ, और दो वहाँ है। मॉर्निंग तो सब एक ही जगह बैठ के पढ़ा रहे हैं, ये एक से पांच है जी, जी। तो कैसे पढ़ाएंगे एक से पांच इतना मैदान में बैठा के सबको? अलग अलग ये जो है ना दरी में अलग अलग बिठा दिया गया है। थोड़ा दिखाइए हमको, बच्चे दिखाइए, स्थिर से खड़े होकर दिखाइए, आप सर खड़े होकर दिखाइए।
कहा सब एक ही जगह बैठे होंगे, अलग अलग कहाँ बैठा होगा? जगह जो है ना सर कम पड़ जाता है और सब एक ही जगह बैठा है सब बिना वर्दी का, वो भी सब पीछे पुआल कौन रख दिया स्कूल में? ये जो ग्रामीण है ना बगल में इसको बोले हैं तो बोला कि कल इसको हटा दिया जाएगा। बड़ा अच्छा है, मतलब दबंगा ही चल रहा है स्कूल में जिसको मर्जी है। और पीछे और पीछे वो त्रिपाल भी लगाए हुए कुछ सामान के ऊपर। हाँ वो ग्राउंड है उसका जो है ये। नहीं नहीं वो जो नीला रंग का बिल्डिंग है उसके सामने क्या है? वो मंदिर है और वो जो है ना धान का ये रखा हुआ था। मतलब ये धान का रखने का जगह है? स्कूल का मैदान है बोला है सामने रखा है सर। तो आप डीओ को नहीं बोले? सामने जो है ना सर सामने रखा है। अभी जो है हम लोग सुबह जब स्कूल बंद करके गए तो सुबह देखते हैं बोला रात में रखे हैं, मास्टर साहब उठा लेंगे आज। मतलब इतना मतलब दबंगा ही है कि जब मर्जी करे जब स्कूल का बिल्डिंग स्कूल मतलब कोई भी रख देगा सामान, गलत है नहीं तो? जी नहीं बोला है वो बुलाते हैं सर, अभी जो है यही बगल में घर है बोला कि आज उठा लेंगे इसको। क्योंकि आपका स्कूल ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं चलना चाहिए था, कमरे में बैठते और बेंच भी नहीं है। बेंच सर नहीं मिला, मेन रूम जो है ना सर कमरा में जो है रखने का व्यवस्था नहीं है इसी वजह से जो है ना। ये नवा टोली जिला से कितना दूर है? कटिहार जिला से? जिला से जो है ना सर ये 35 किलो ये 35 38 किलोमीटर लगभग 40 किलोमीटर है सर। किसी को अभी भेज रहे हैं इंस्पेक्शन में? तो अभी आपने देखा जो शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव है एस सिद्धार्थ के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक से बढ़कर एक प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए जो एस सिद्धार्थ है वो पर डे सरकारी स्कूलों में डायरेक्ट वीडियो कॉल कर रहे हैं और वीडियो कॉल करके स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं और कितने बच्चे स्कूल में आए हैं उन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। साथ ही साथ स्कूलों में क्या कुछ कमियां हैं उन कमियों को भी देख रहे हैं लिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए जो एस सिद्धार्थ एक से बढ़कर एक प्रयोग कर रहे हैं और देखिए अब एस सिद्धार्थ के प्रयोग के बाद अब कहीं ना कहीं शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। जो शिक्षक हैं वो देखिए बेचैनी में हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। देखिए जो एस सिद्धार्थ है अचानक से स्कूलों में वीडियो कॉल करते हैं प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से बात करते हैं, शिक्षक से बात करते हैं और उसके बाद देखिए स्कूल में कितने बच्चे हैं और स्कूल का क्या कुछ फीडबैक है तमाम चीज़ों को लेकर वीडियो कॉल पर ही शिक्षकों का प्रिंसिपल का क्लास लगाते हैं, फीडबैक लेते हैं। और बच्चे कम हैं तो आखिर बच्चे स्कूल में कम क्यों आ रहे हैं, क्या कुछ पढ़ाई हो रहा है, तमाम चीज़ों का जो मॉनिटरिंग है वो कहीं ना कहीं एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल के जरिए कर रहे हैं। और देखिए एस सिद्धार्थ के इस प्रयोग से अब शिक्षकों में हड़कंप मच गया है, जो शिक्षक है वो परेशान नजर आ रहे हैं। अचानक से एस सिद्धार्थ वीडियो कॉल करते हैं और शिक्षकों का क्लास लगाने लगते हैं। बस इस तरह की तमाम खबरों से तब मेरे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद।